हाँ तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगलोट से। पहले सुबह मैं निकला धन्योर से, अभी हम जा रहे हैं स्टोर की तरफ। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस जगह को तीन पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों में शुमार होता है, जिनमें पहला कोहे हिमालया, उसके बाद कोहे कराकरम, उसके बाद कोहे हिंदुकश। ये तीन पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर आकर आपस में इनका मिलाप होता है, और इसी के एन बिल्कुल इसके नीचे जो है दो दरिया है, जो एक स्कर्दू से आता बहता हुआ आ रहा है, एक जो है गिलगित से होता हुआ आ रहा है, जिसे इंडस रिवर कहते हैं। तो ये दोनों दरियाओं का मिलाप भी यहीं से हो रहा है। बाकी ये तीन पहाड़ी सिलसिले हैं जिनमें पहले कोहे हिमालया है, कोहे कराकरम है और कोहे हिंदुकश है। ये तीन पहाड़ी सिलसिले, इनका आपस में मिलाप भी यहीं होता है। इस वक्त मैं तकरीबन यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, 12 बजे का वक्त है, और हम जा रहे हैं। अब हमारा जो अगला सफ़र है वो इस्तोर की तरफ है। इस्तोर में हम फिर रामा मीडोज, रामा लेक, फिर हम गोरीकोड में ठहरेंगे। आज की रात हमारा गोरीकोड में स्टे है, उसके बाद अगला सफ़र हमारा स्कर्दू पर है। तब तक के लिए बाय। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामा मीडोज़ पर, जो कि इस्तोर शहर से 8 किलोमीटर के फासले पर है और टॉप पर है। रामा मीडोज़ से जो है तकरीबन 1.25 घंटे के फासले पर रामा लेक है। शाम हो चुकी है, शाम डल चुकी है, जिसकी वजह से हम अब वहाँ रामा लेक नहीं जा सकते, लेकिन आज की रात हम यहाँ रामा मीडोज़ पर कैंपिंग करेंगे, और सुबह हम आज धन्योर शहर, गिलगित के धन्योर मेन सिटी से निकले थे सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब, और हम नॉन स्टॉप यहाँ आए। 6 घंटे हमें तकरीबन लगे हैं धन्योर से इस्तोर पहुँचने में, फिर इस्तोर से आधे घंटे का सफ़र है इस्तोर मेन सिटी से ऊपर तक रामा मीडोज़ तक आने में। और इस वक्त हम रामा मीडोज़ में हैं, और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है।